तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिना कोई लंबा इंट्रो और लाइक करो सब्सक्राइब करो वाली नौटंकी को साइड में रखते हुए मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इंडियाज फर्स्ट ओपन वर्ल्ड पीसी गेम। सो गाइस ये गेम कोई भी बड़ी कंपनी नहीं बना रही है, कुछ लोगों का एक स्टूडियो है वो इस गेम को बना रहे हैं। गाइस ये गेम सेट हुआ है कोलकाता 2045 में, यानी कि 2045 में, और इस वक्त कोलकाता को कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। और गाइस इस गेम को बना रहे हैं इन्फिनिटी हेड गेम्स। समझ रहे हो ना। अगर गाइस हम लोग बात करें ये कौन सी लैंग्वेज में होगा, तो गाइस ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर जब कुछ लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो वो लोग हिंदी में भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना। और गाइस ये गेम टोटली हिंदी में तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है कि फॉरेन में भी और इंडियंस भी इस लैंग्वेज को जानते हैं, इसलिए इंग्लिश ही एकदम कॉमन लैंग्वेज होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम गेम्स में यूज़ होती है। लेकिन अगर हिंदी लैंग्वेज हुई तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंडियंस के लिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज हिंदी में रही तो हम लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे इस गेम के साथ। समझ रहे हो ना। अगर गाइस मैं आपसे बात करूँ इसमें कौन सा मैप आने वाला है, तो गाइस वो मैप आएगा कोलकाता का। गाइस भले ही इसमें कोलकाता का मैप ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, लेकिन उस मैप में डिटेलिंग होगी और काफी अच्छे ग्राफिक्स के थ्रू बनाया जाएगा। समझ रहे हो ना। और गाइस एक और बात कि इसमें जो है मॉन्यूमेंट्स जो कोलकाता में सिचुएटेड हैं वो सारे मॉन्यूमेंट्स इसमें ऐड किए जाएंगे। गाइस ये पूरा ही मैप या फिर कहने तो पूरा ही गेम बनाया जा रहा है अनरियल इंजन 4 पे, जो कि एक बेहतर गेमिंग इंजन है किसी भी गेम को बनाने के लिए। समझ रहे हो ना। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गेम 2045 में होगा, तो इसीलिए जो इसकी स्टोरी तो इसीलिए ये जो एक फ्यूचरिस्टिक गेम होने वाला है, और इसकी स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से होगी कि फ्यूचर में इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं रह गई है और वुमेंस के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। लोग यहाँ पर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी वुमेंस पर मोलेस्टेशन कर रहे हैं, क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसी को रोकने के लिए एक यंगस्टर्स का ग्रुप है जो बुरे लोगों के खिलाफ लड़ रहा है और इन क्राइम्स को मतलब होने से रोक रहा है। तो समझ रहे हो ना। उसी ग्रुप में से हम लोगों का भी एक करेक्टर होगा जिसके साथ हम लोग इस गेम को प्ले करेंगे। उसके बाद गाइस अगर मैं आपको ग्राफिक्स के बारे में बताऊं, तो गाइस इस गेम के ग्राफिक्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट वॉच डॉग 2 के जैसे। समझ रहे हो ना। और गाइस अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा ये गेम, तो मैं आपको बता दूं कि ये पीसी पे आने वाला है, मोबाइल पर ये गेम नहीं आएगा। आगे चल के हो सकता है ये एक्सबॉक्स या फिर PS5 के लिए भी आए। समझ रहे हो ना। तो गाइस अगर हम लोग बात करें इसके रिलीज डेट के बारे में, तो गाइस ये गेम रिलीज होने वाला है 2021 की एंड में। समझ रहे हो ना। अब गाइस अगर हम लोग बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो मैं आपको प्राइस बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी इंसान पूरी सालों तक मेहनत करेगा और ऐसा तो है नहीं कि वो इस उस गेम को फ्री में ही दे देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए इस गेम की जो प्राइस जो है वो रखी जाएगी, फ्री में तो नहीं होने वाला है गेम, और कितनी रखी जाएगी ये अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ इन्फिनिटी हेड्स गेम्स वालों ने कही है कि इस गेम की प्राइस ऑलमोस्ट इतनी होगी कि कोई भी इंडियन गेमर जो है अफोर्ड कर सके इस गेम को। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का पहला ओपन वर्ल्ड गेम है जो पीसी पे लॉन्च होगा। समझ रहे हो ना। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, जैसी कोई इस गेम के बारे में नई इन्फॉर्मेशन आती है आपको मेरे चैनल के थ्रू पता चल जाएगा, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want...